स्वागत है आपका पकवान गली पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। हम मौजूद हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कर्नाटक कैफे पे। यहां आपको डोसे की अनेक प्रकार की वैरायटीज मिलेगी, तो चलिए मेरे साथ कर्नाटक कैफे और स्वाद लीजिए इन अनोखे व्यंजनों का। मेरे साथ मौजूद है शिल्पी जो यहाँ की ओनर है और ये हमें बताएगी इस ऑथेंटिक क्यूजींस के बारे में। सो वेयर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम शिल्पी? मिनी व्हील से शुरू करेंगे। मिनी व्हील में 12 आइटम होते हैं। तो सबसे पहले मैं सैलेड से स्टार्ट करता हूँ। इसमें उड़द की दाल है, साथ में है कोकोनट और इसको टॉप किया गया है धनिया और अनार के दानों से। अगर आप भी साउथ इंडियन खाने में सैलेड खाना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज द थाली यू शुड ऑर्डर। तो हम स्वाद लेते हैं सबसे पहले राइस के साथ द करी। अगेन वेरी ऑथेंटिक। क्या क्या आप इसमें इस्तेमाल करते हैं? वेजिटेबल डालते हैं हम, कैरेट डालते हैं, बीन डालते हैं, यम डालते हैं हम, अनियन डालते हैं एंड देन वी मेक दिस करी। सो आई विल नाउ ट्राई द बिसिबिली भात। वेरी हेल्दी, इट टेस्ट लाइक खिचड़ी और इसमें सांबर, अनियन और राइस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। व्हाट्स नेक्स्ट वी शुड ट्राई नाउ? मलेशियम 18 क्रॉस। कंपैरेटिवली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डोसा है, आपने इस डोसे का जो बेस है इट इज वेरी थिक, के अंदर जो फीलिंग है वो दाल की है। अब मैं इसका स्वाद लेके आपको बताता हूँ कि कैसा है इसका स्वाद। आई थिंक अगर आप कोई डिफरेंट डोसा खाना चाहते हैं तो दिस डोसा यू मस्ट ट्राई। नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट द पट्टू। दिस इज द पट्टू। व्हाट इज द बेस ऑफ दिस? इसमें भी हम दाल और राइस का एक मिक्सचर बनाते हैं, इसमें हम सूजी भी डालते हैं और उसके बाद एंड इन सर्टेन प्रोपोर्शंस, उसके बाद उसके अंदर हम प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के वी मेक अ बैटर आउट ऑफ इट और इसको शैलो फ्राई करते हैं हम घी में। जब आप इसको खाएंगे तो आपको देसी घी का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, एक अनोखा स्वाद। मैं बहुत जगह साउथ इंडियन खा चुका हूँ बट यहाँ की जो चटनी होती है काफ़ी स्पेशल होती है। Ambience is very good. यहाँ मैं डोसा बिना घी का और बिना तेल का मिलती हूँ। मलेशियम क्रॉस 88 best dosa in Delhi. I can specifically recommend the Malaysia dosa. Really nice place. Really friendly staff. भरपेट खाना खाने के साथ आप यहाँ की फिल्टर कॉफी और ठंडी लस्सी लेना ना भूलें, जो आपको कर्नाटक कैफे आने पे मजबूर कर देगी। वैसे ही जैसे अच्छी अच्छी और अनोखी रेसिपीज के लिए आप पकवान गली पे आते। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। दिस इज योर दोस्त गौरव साइनिंग ऑफ। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई जगह पे एक नए खाने की तलाश में।